नमस्कार, मैं योगेश दार और आप देख रहे हैं जी एक्स छत्तीसगढ़। आइए बढ़ते हैं खबरों की। अपने 6 वर्षीय पुत्र के ऊपर प्राणघातक हमला कर गंभीर चोट पहुंचाने वाले आरोपी पिता गिरफ्तार। दिनांक 10 नवंबर 2021 के प्रातः हमें राजेंद्र विश्वकर्मा निवासी जोतकला अपनी पत्नी को मजदूरी करने हेतु जसपुर चलने को कहने पर उसकी पत्नी जाने से मना कर दी। इसी बात को लेकर उसी दिन शाम 6 बजे राजेंद्र विश्वकर्मा घर में अपनी पत्नी से लड़ाई झगड़ा कर मारपीट कर रहा था। मारपीट करने के दौरान राजेंद्र विश्वकर्मा का 6 वर्षीय पुत्र अपनी माँ का बीच बचाव कर रहा था। तब राजेंद्र विश्वकर्मा द्वारा गुस्से में आकर अपने पुत्र को मार दूंगा कहते हुए पास में रखे लकड़ी डंडा से उसके सिर में प्राणघातक वार कर चोट पहुँचाया। आहत पुत्र को परिजनों के सहयोग से इलाज हेतु दुलदुला CHC ले जाया गया। प्रीत की गंभीर स्थिति को देखते हुए उसे उच्च उपचार हेतु रिफर किया गया। प्रार्थिया श्रीमती ग्लोरिया कुजूर निवासी जोतकला की रिपोर्ट पर थाना दुलदुला में धारा 307 भारतीय दंड विधान के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। प्रकरण की विवेचना दौरान मुखबिर की सूचना पर दबिश देकर प्रकरण के आरोपी को अभिरक्षा में लिया गया। पूछताछ में आरोपी द्वारा घटना घटित करना स्वीकार किया गया। मामले में आरोपी के विरुद्ध अपराध सबूत पाए जाने से आरोपी राजेंद्र विश्वकर्मा उम्र 27 साल निवासी जोतकला थाना दुलदुला को दिनांक 11 दिसंबर 2021 को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है। प्रकरण की विवेचना एवं आरोपी को गिरफ्तार करने में थाना प्रभारी निरीक्षक संतोष सिंह, सहायक उप निरीक्षक हीरालाल बाधव, आरक्षक 531 दिनेश मैकरा की महत्वपूर्ण भूमिका रही। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको हर खबर की अपडेट मिलती रहे।